एक्चुअली मैं रनिंग पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था कि रनिंग क्या होता है, किस लिए करते हैं, वो कुछ भी पता नहीं था। जैसे मैं गांव में थी और गांव से मेरा घर जो था 3 साढ़े 3 किलोमीटर का अंतर था, तो वहाँ पे वहाँ से जाने के लिए कुछ रास्ता नहीं था, मतलब कि कैसे जाना है, तो हम लोग पैदल जाते थे। मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह थी तो हम लोग पैदल जाते थे, कभी रनिंग करके जाते थे, तो कभी कभी ये हो जाता था कि लेट हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग भाग भाग के चले जाते थे। उस टाइम पे मैं जल्दी सुबह मॉर्निंग 6 बजे जाना पड़ता था, तो इतना जल्दी जाने के लिए कोई मॉर्निंग में नहीं रहता था, तो डरती भी थी कि वहाँ पे पेड़ वगैरह भी ज़्यादा थे, तो डर लगता था अकेली लड़के जा रही है। तो सुबह मैं घर से निकलती थी और दौड़ के मैं स्कूल तक दौड़ते दौड़ते जाती थी वहाँ पर। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सूखा हमारे यहाँ पड़ता है, मतलब पानी नहीं रहता, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है वहाँ पे, तो खेती वहाँ पे होती नहीं है, तो मतलब खेती पे ही डिपेंड रहते हैं जो फार्मर्स है, वो लोगों को खेती के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। जब बारिश आएगी तभी वो कुछ कर सकते, तो मतलब ये था कि दूर दूर पानी के लिए भी दूर दूर जाना पड़ता है, मतलब पास में पास में कोई है ही नहीं था, मतलब पानी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी कि पानी लेके आओ इतना दूर जाके, कभी साइकिल पे वो बकेट्स वगैरह डाल के वो लेके आते थे। तो उस टाइम पे ये था कि मतलब लड़की भाग रही है, मतलब किसी को अच्छा लगता था किसी को अच्छा नहीं लगता था गाँव में, तो मैं दौड़ती थी। मेरे मम्मी पापा को मैंने बोला था, मम्मी पापा भी सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे, मेरे घर वाले अंकल लोग थे वो भी सपोर्ट करते थे, मेरा जॉइंट फैमिली है, तो वहाँ पे मुझे सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिलने लगा। घर वालों का सपोर्ट था तो मैं किसी और का सुनती नहीं थी। तो उस टाइम पे मैंने जस्ट मैराथन किया, तो उससे मुझे लगा मैं मैराथन करके, तो मैंने एक मैराथन कम्प्लीट किया, उसके बाद दूसरा मैराथन सर ने बोला कि नहीं दूसरा मैराथन करना है, तो उस टाइम पे मैं जस्ट करती थी। फिर बाद में मुझे स्टेट में नेशनल में प्लेस आने लगा, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगी और खो खो साइड में रख दिया। पापा जब गांव में जाते थे तो घर से तो उनको बोलते थे क्यों लड़की को खिला रहे, मतलब क्यों दौड़ा रहे उसको, तो उस टाइम पे पापा बोलते थे उसका चॉइस है, मतलब उसको खेलना है तो खेल सकती, मतलब। और मैं ओलंपिक में गई और फाइनल में गई, वो भी मुझे पता नहीं था कि मैं फाइनल में गई हूँ, मैं सोच रही थी, लेकिन मैं बीच में ये हो गया था कि नहीं मुझे स्पोर्ट्स करना ही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं स्पोर्ट्स किया था, जिस हिसाब से ओलंपिक में स्ट्रगल किया था, उसके बाद मुझे पेरेंट्स को मिलने के लिए अलाउ नहीं किया था, मोबाइल नहीं था हम लोगों के पास, 1-1 घंटे के लिए दिन में मोबाइल देते थे कोच। हाँ मुझे अभी भी खेलना ही है, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को भी, उन्होंने लाइफ में कभी रनिंग नहीं किया था, मतलब वो खेलते थे लेकिन वॉलीबॉल वगैरह खेलते थे, लेकिन इतना रनिंग नहीं किया था उन्होंने। इस साल फुल मैराथन इसमें मुंबई मैराथन में 21 किलोमीटर कम्प्लीट किया, तो मैं मेरे हस्बैंड को उन्होंने कभी किया नहीं, उनको कर सकती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर जो है वो मुझे करना ही चाहिए।